जल्द ही अब हरियाणा में भी कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। भले ही ये एक राहत भरी खबर है, लेकिन इसी बीच एक डराने वाली खबर ये निकल कर सामने आई कि हरियाणा में कोरोना के नए स्ट्रेन की एंट्री हो चुकी है। हिंदुस्तान में कोरोना की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब कोरोना का डोज आने वाला है। कई संस्थानों में वैक्सीन पर काम लगभग पूरा हो चुका है। जल्द ही इसका उत्पादन देश के अलग अलग हिस्सों में होने वाला है। हरियाणा में भी कोरोना पर राहत की खबर है। एक तरफ तो कोरोना के मरीजों में लगातार गिरावट आ रही है, तो दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने वैक्सीन के वितरण की तैयारी पूरी कर ली है। जो न्यूज शेयर हो रही है कि जनवरी के महीने में ही जो है वो जरूर शुरू होगी, तो उस टाइम पे ही हरियाणा में भी उम्मीद कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन आ जाएगी। लेकिन हमारी तरफ से जो पूर्ण रूप से तैयारी कर ली गई है पिछले 24 नवंबर से लेकर अब तक, इसकी काफ़ी तैयारी की गई है। जो हमारा एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और एक इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीनेशन इंटेलिजेंस नेटवर्क है, इन दोनों को कंबाइन करके एक कोविन प्रोग्राम जो है बेसिकली कोविड वैक्सीन के लिए तैयार किया गया है। कोरोना की वैक्सीन को कैटेगरी में दिया गया है। पहली कैटेगरी में स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन का टीका लगेगा। दूसरी कैटेगरी में पुलिस और आर्मी के जवानों पर वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरी कैटेगरी में 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को कोरोना वैक्सीन के लिए रखा गया है। जी, ऐसे है कि जो यूके एंड अदर कंट्रीज से जो कुछ रिटर्नीज हैं, उनका ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से जो डाटा लिया हमने, वो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके और सबकी टेस्टिंग हम करवा रहे हैं। और अभी तक कुछ 4-5 लोग ऐसे मिले हैं जिनकी वो पॉजिटिव उनमें से आया है, तो उन पांचों का अब सेकंड राउंड में जो हिदायतें हैं उसके मुताबिक जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए हमने उनके सैंपल भेज दिए हैं, ताकि ये पता चल सके कि क्या उनको कोई नई स्ट्रेन का आया है या जो पुराना वायरस है उसी से आया है। तो उसकी जब रिपोर्ट आएगी तो उसके मुताबिक ही उसको आगे डील किया जाएगा। भारत कोरोना के नए वर्जन से खौफजदा है। कई राज्यों में कोरोना स्ट्रेन के नए मरीज सामने आ रहे हैं। हरियाणा में यूके से लौटे कई यात्रियों में नए कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। लेकिन बहरहाल जो उनकी सारी जो उनका ट्रीटमेंट है, वो जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं उसके मुताबिक शुरू कर दिया गया है। ठीक है इस बात की कि जो हम ऑलमोस्ट 3500 केसेस पर डे देखते थे, वो आज लेस देन 400 पे आ गए हैं। और टोटल हमारे एक्टिव केस जो हैं वो 4040 हैं। फर्टेलिटी रेट 1.1% है और रिकवरी रेट 97.35% क्रॉस कर चुका है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि जो सारी की सारी जो प्रिकॉशंस हैं उनको किसी प्रकार से भी कम नहीं करना चाहिए। कोरोना काल में जहां राहत की खबर है कि जल्द ही हरियाणा में भी कोरोना के लिए वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसी बीच डरा देने वाली बात यह है कि ब्रिटेन में फैला कोरोना का नया स्ट्रेन हरियाणा में एंट्री कर चुका है। अब आम जनता को और ज्यादा एहतियात बरतनी होगी।